सबसे पहले डिपार्टमेंट का लॉगिन कर लेंगे आप, उसके बाद आप जैसे ही मैंने फिज़िक्स का लॉगिन किया, ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे स्टूडेंट फी पर, ठीक है, और फिर आप अप्लाई फॉर किनशिप पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप डाल देंगे स्टूडेंट आईडी जो बच्चा अप्लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप कर देंगे क्लिक न्यू पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी उस बच्चे का सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसका ये सेमेस्टर डाल देंगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पे ये स्टूडेंट्स जो है ना वो आ जाएगी, वो कौन सा उसका नंबर है, सेकंड है कौन सा, ठीक है। फिर ये उसकी जिसके बिहाफ पे कर रही है, ठीक है, उसका स्टूडेंट आईडी आप डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आके इसका सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद दे देंगे आप ये कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे यहाँ पे आप, नो स्कॉलरशिप जो है ना बस मैं कोई नहीं ली हुई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप डाल देंगे उसका मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और इसको कर देंगे अपडेट, ये न्यू के लिए था सारा, ठीक है, ये अपडेट कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि दोबारा उस सिस्टम पे आ जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखेंगे और जो उसका जो नया जो है ना न्यू वाला वो आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही होगी प्रिंट वन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रिंट वन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, प्रिंट वन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट आ जाएगा इसका, इसका ये वाला पेज भी आपने जो है ये प्रिंट ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है वापस, यहाँ से आप बैक कर लेंगे, और जो है ना इसके बाद आप वो जो स्टूडेंट आईडी दोबारा लिख लेंगे यहाँ पे जिस बच्ची ने अप्लाई किया, तो उसके बाद वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी प्रिंट टू की, तो वो फिर आपने जो है ना प्रिंट टू को जो है ना वो आपने उसका प्रिंट दे देना है, ठीक है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि सेशन जो है वो आपका जो करंट चल रहा है जो जुलाई 2022 से लेकर ये बच्चा अप्लाई कर सकता है 30 जून 2023 तक, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। तो इसका ये जो सेकंड वाला हमने था ये प्रिंट भी आपने ले लेना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।